हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार जौनवाल और आज की इस वीडियो में मैं आपको टिकटिक का एडमिन पैनल सेटअप करना बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना जिससे आप एडमिन पैनल पूरा सेटअप कर सको। और जो भी भाई हमारे चैनल पर अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा लेना जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोल देता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको पूरा समझ में आए, क्योंकि इसमें एक एक स्टेप है वो आपको फॉलो करके चलना पड़ेगा। तो हम चलते हैं हम हमारे क्रोम ब्राउज़र में। तो देखिए, हमने एडमिन पैनल है जो इधर, पहले तो हमारी ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद में पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद में क्रोम में जाएंगे, ये देखिए, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो हम इसे लॉगिन करेंगे, सक्सेसफुली हो चुका है। तो ये देखिए, हम हमारा सी पैनल लॉगिन करेंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा सी पैनल है। तो इसे लॉगिन करेंगे हम। तो ये धीरे धीरे हो रहा है, नेट की प्रॉब्लम है। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले ये आपको पॉपअप दिखाई देगा आपको। तो सबसे पहले हम सब डोमेन क्रिएट करेंगे। तो सब डोमेन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर है जो हम सब डोमेन क्रिएट करेंगे, किसी भी नाम से कर सकते हैं हम। तो हम है जो सुनील के नाम से सब डोमेन क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे सुनील, और नीचे भी हम क्लिक कर देंगे और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो ये देख सकते हो, यहाँ पर सक्सेसफुली सब डोमेन क्रिएट हो चुका है। तो ये देख सकते हो, यहाँ पर नीचे भी है जो, अब हम होम पेज पर आएंगे। यहाँ आप देख सकते हो, ये हमारा होम पेज है सी पैनल का। फाइल मैनेजर में जाएंगे। फाइल मैनेजर में जाने के बाद में पब्लिक HTML पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर फाइल दिखेंगी और आपको सुनील नाम का एक फोल्डर मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे। और ये है जो टेम्पररी फाइल है, इसे हम डिलीट कर देंगे। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना कि देखिए, डिलीट कर दिया। हम यहाँ पर है जो फाइल हमारी अपलोड करेंगे, तो ये देख सकते हो हम फाइल अपलोड कर रहे हैं। ये दो फाइलें हमारे पास हैं, ये देख लीजिए, ये दो फाइलें हैं, एक एडमिन पैनल और एक API। तो हमने एक फाइल को ले ली है और इंपोर्ट कर रहे हैं। ये देख लीजिए, अपलोड हो रही है धीरे धीरे। तो आप वीडियो को पूरी देखना जिससे आपको सब कुछ समझ में आए कि कैसे एडमिन पैनल सेटअप होता है। और जिस भी भाई को कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई सोर्स कोड भी चाहिए तो हमसे ले सकते हो, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। क्योंकि हमारे पास है जो बहुत से सोर्स कोड अवेलेबल है, जैसे कि ड्रीम इलेवन, ऑनलाइन लूडो का भी हमारे पास सोर्स कोड अवेलेबल है। ऑनलाइन लूडो का है जो सोर्स कोड करीबन 250 से $300 के बीच में आ रहा है, लेकिन हम आपको बहुत ही कम प्राइस में इसको प्रोवाइड करवा देंगे। हमारा प्राइस है 3,000 रुपये। 3,000 रुपये में हम आपको ऑनलाइन लूडो का सोर्स कोड अवेलेबल करवा देंगे। और ये देखिए, हमारी फाइल है जो पूरी तरीके से इम्पोर्ट हो चुकी है, ये देखिए 100% हो चुकी है। गो बैक जाएंगे। गो बैक जाने के बाद में एक फाइल और इंपोर्ट करेंगे, अपलोड करेंगे। ये देखिए, एडमिन पैनल के नाम से है ऊपर, ये देख सकते हो आप, और इसे भी अपलोड कर देंगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना क्योंकि इसमें छोटे छोटे स्टेप हैं। तो 100% हो चुका है। अब गो बैक जाएंगे, ये देख सकते हो, गो बैक जाने के बाद में अब इन दोनों फाइलों को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो पहले इसको करेंगे और इसके बाद में दूसरी फाइल को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ये देखिए API। इसे भी करने के बाद में हम देखते हैं, ये देखिए, दोनों को एक्सट्रैक्ट कर लिया और रिलोड करेंगे जिससे फाइलें आ जाएं। ये देखिए, दोनों फाइल आ चुकी हैं। अब ये इन दोनों फाइलों का हमारे पास काम नहीं है, तो हम इन्हें डिलीट कर देंगे, दोनों फाइलों को डिलीट कर देंगे। ये देखिए, ये जिप फाइल है तो इनका कोई काम नहीं है।
तो इन्हें हम डिलीट कर देंगे और हम इसको खोलेंगे। देखिए अब ये जो भी फाइल्स हैं इनको हम मूव करेंगे पिछली जो फोल्डर है, पिछला जो फोल्डर है उसके अंदर, तो हम यहाँ पर मूव कर देंगे, बैक करेंगे। और ये जो देख सकते हो आप, हम पैनल के अंदर जाएंगे होम पेज पर और हम अपना जो पैनल है उसे लॉगिन करेंगे, तो देखते हैं या खुलता है या नहीं खुलता है। तो हमने सुनील के नाम से सब डोमेन क्रिएट किया था, तो हम सर्च में है जो सुनील लिखेंगे, तो ये देखिए हम यहाँ पर है जो सुनील लिखेंगे, सुनील डॉट, फिर एंटर कर देंगे, फिर हम देखते हैं आता है या नहीं आता टिक का एडमिन पैनल, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो आ चुका है, ये देख सकते हो आप टिक का एडमिन पैनल है जो आ चुका है। तो अब हम इस फोल्डर, ये जो आप ऊपर ऊपर देख रहे हो ये खाली फोल्डर है, तो इसे हम डिलीट कर सकते हैं, तो इसे डिलीट कर देंगे हम। डिलीट करने के बाद में हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए हम ऊपर ऊपर जो API फोल्डर है उसे खोलेंगे और यहाँ पर इसको एडिट करेंगे। इसमें तीन चार चीज़ें एडिट होंगी, तो आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखना। ये जो डोमेन है इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद में वहाँ पर पेस्ट कर देंगे जहाँ पर API पाथ लिखा हुआ है। तो ये देखिए API पाथ, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। आप ध्यानपूर्वक पेस्ट करना क्योंकि इधर ही गड़बड़ होती है ज़्यादातर। तो ये देख लीजिए यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने। अब है जो डाटाबेस और यूजर नेम और पासवर्ड और चेंज करना है। होम पेज पर आने के बाद में हम डाटाबेस क्रिएट करेंगे, तो हम डाटाबेस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर है जो एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे सुनील के नाम से, तो हम सुनील लिखते हैं और क्रिएट डाटाबेस करते हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पर है जो डाटाबेस क्रिएट हो चुका है सुनील के नाम से। तो ये देख लिए नीचे, अब ये जो डाटाबेस क्रिएट हुआ है उसको हम उधर पेस्ट करेंगे यूज़र नेम और डाटाबेस में। ये देख लीजिए यहाँ पर है जो ये जो आप देख रहे हो, ये देखिए ये डाटाबेस है सुनील के नाम से, इसे हम कॉपी करेंगे यहाँ से, यहाँ से कॉपी करेंगे, सभी को पूरा कॉपी करना है, छोड़ना नहीं है एक भी। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर हम डाटाबेस में और यूजर नेम में इसे पेस्ट कर देंगे, इसे पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, इधर भी पेस्ट कर देंगे यूजर नेम में। तो ये हमने पेस्ट कर दिया, अब हमें पासवर्ड क्रिएट करना है, तो उधर ही जाएंगे और नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करेंगे, यहाँ पर वही नाम लिखेंगे जो ऊपर लिखा था डाटाबेस में सुनील के नाम से, और यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करेंगे। ये जो पासवर्ड है इसे कॉपी कर लेंगे हम, ये देख लीजिए हमने कॉपी कर लिया, ये कर लिया, और यहाँ पर टिक मार्क करेंगे और इसे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। और ये वाले पासवर्ड है जो ये पासवर्ड जनरेट हो चुके हैं, और इस वाले पासवर्ड को हम यहाँ पर है जो पेस्ट कर देंगे। ये देखिए ध्यानपूर्वक करना, ये कर दिया। अब इस फाइल को हम सेव कर देंगे, ये देखिए हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, इधर का काम कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हम हटा देंगे। ये जो सारा काम है यहाँ का पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो इस पोर्शन को हम हटा देंगे। अब आगे चलेंगे, बैक आएंगे यहाँ से, ये बैक आ चुके हैं, ये देखिए इधर। अब ये जो फाइल दिख रहे हो आप, इसे भी हम है जो एडिट करेंगे, तो पहले नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पर है जो जो अपने डाटाबेस क्रिएट करा था उसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में ये जो है सभी पर यहाँ पर टिक मार्क करेंगे, तो यहाँ पर टिक मार्क कर दिया और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये सक्सेसफुली है जो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो हम आगे देखते हैं, होम पेज पर आते हैं, होम पेज पर आने के बाद में हम है जो इधर इस फाइल को एडिट करेंगे,
यहाँ पर जाएंगे और एडिट पे जाएंगे, और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये देखिए डोमेन लिखा हुआ है यहाँ पर, इसे भी हम कट करके और यहाँ पर है जो इसको पेस्ट करेंगे, इसे कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर है जो हम पेस्ट कर देंगे इसको। थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि यहाँ पर बहुत गलती होती है, और आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए, और यहाँ से हम जो नाम भी चेंज कर सकते हैं हमारा एडमिन पैनल का, ये देखिए नेम ऐप नेम, तो हमने है जो नाम भी चेंज कर दिया, तो ये देख सकते हो आप। और यहाँ पर है जो अब एक फाइल हो रहा है जिसे हम इंपोर्ट करेंगे, तो PHP फाइल हम इंपोर्ट करेंगे, इधर हमारा नाम यहाँ पर सब डोमेन है उसे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर है जो इंपोर्ट करेंगे एक और फाइल, तो ये देख सकते हो यहाँ से हम एक और फाइल है जो इंपोर्ट करेंगे, ये जो आप देख सकते हो ये वाली फाइल, इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और कॉपी हम क्लिक कर देंगे। हमारे PHP फाइल भी है जो कंप्लीट हो चुकी है, अब हमारा पूरा काम हो चुका है, तो अब देखते हैं हम होम पेज पर जाते हैं, और ये देखिए अब है जो हम CMD का काम और बचा हुआ है थोड़ा सा, तो हम उसे भी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आएंगे और हम है जो हमारे जो भी कीवर्ड हैं उन्हें हम पेस्ट करेंगे, यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे हम, यहाँ पर पेस्ट करने के बाद में एंटर करेंगे, ये पेस्ट किए करेंगे, फिर एंटर का दबाएंगे, एंटर दबाने के बाद में हमारा ये देखिए हमारा है जो ये काम पहले से हो चुका है, तो हम ये आपको बताएंगे नहीं, ये देखिए ये पूरा हो चुका है हमारा, तो हम है जो हमारा एडमिन पैनल लॉगिन करके देखेंगे और आपको बता देते हैं लॉगिन हुआ या नहीं हुआ। तो ये देख सकते हो हम admin@admin.com पासवर्ड लगाएंगे और इसे लॉगिन करेंगे, तो ये लॉगिन हो चुका है, ये देख लीजिए आप, पूरी तरीके से लॉगिन हो चुका है। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, हम एडमिन पैनल भी सेटअप करते हैं और सोर्स कोड भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो ये देख सकते हो। और यदि आपकी वीडियो प्ले नहीं होती हो, यदि और किसी भी प्रकार की बग आती हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये देख लीजिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम आपको लूडो ऑनलाइन लूडो के बारे में बताएंगे, तो धन्यवाद।